हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही पुरुषों को एज एन अल्फा मेल या फिर बीटा मेल की तरह कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन एक मेल टाइप ऐसा होता है जो कि ना ही अल्फा मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, ना ही बीटा मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, और उसको हम कहते हैं सिग्मा मेल। सिग्मा मेल एक ऐसा शब्द है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है अलोन एंड आउटसाइडर। सिग्मा मेल नॉर्मल मेल टाइप से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, वो सिर्फ वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। वो बेफालतू के सोशल ट्रेंड्स और रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं करते बल्कि दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। वो अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो हमेशा नॉलेज और एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। वो हमेशा लोगों को चेज नहीं करते बल्कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी तरीके से आज मैं आपको सिग्मा मेल की 10 क्वालिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1, इनको अकेले रहना बहुत पसंद है, पर वो दूसरों की वैल्यू को समझते हैं। ये समय और लोगों की अहमियत को समझते हैं और ज़्यादातर टाइम खुद के साथ बिताते हैं। वो आसानी से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताते, पर उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अकेले रहने के बावजूद ये दूसरों की वैल्यू को समझते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सिग्मा मेल से रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। नंबर 2, दे आर साइलेंट लीडर्स। ये अल्फा मेल की तरह बहुत तगड़े लीडर्स होते हैं, साथ ही साथ ये दूसरे को अपनी पॉजिटिविटी और लीडर माइंडसेट से लीड करते हैं। ये दूसरों पर यकीन करते हैं और उनको समझाते हैं और लोगों के साथ मिलकर सॉल्यूशंस निकालने में यकीन रखते हैं। 3, हाईली अडैप्टिव इन सिचुएशंस। अल्फा मेल कुछ ही सिचुएशंस में अपनी लीडरशिप दिखा पाता है, और अगर उसको उसके हिसाब से काम और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो वो अपने ऊपर ही डाउट करने लगता है। पर एक सिग्मा मेल हर वक्त लीडर बनने की ख्वाहिश को अपने सिर पर नहीं रखता, वो सही समय देखकर सही काम करता है। उसे जो भी काम दिया जाता है वो उसे पूरी शिद्दत और पूरी एक्सीलेंस के साथ कंप्लीट करता है, और इसी वजह से वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा सक्सेसफुल भी होता है, बिकॉज वो हर पोजीशन को, हर काम को एंजॉय करता है। नंबर 4, ट्रू जेंटलमैन। सिग्मा मेल्स हमेशा सबको एक नज़र से देखते हैं और लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करते। बंदा चाहे अमीर हो या गरीब, सेलिब्रिटी हो या कॉमन मैन, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं और एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। नंबर 5, क्रिएटिव। सिग्मा मेल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। ये बहुत ही हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। इनके अंदर बहुत सारी इंट्यूटिव पावर्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेटेड होते हैं। नंबर 6, रिजर्व एंड इंट्रोवर्ट। सिग्मा मेल्स बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो जो सोचते हैं वो खुद में ही रखते हैं और सिर्फ उसको ही बताते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब होता है। वो अल्फा मेल्स की तरह एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, उनको सोसाइटी में बोर होता है और फेकनेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप इनको किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हुए या मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकते। वो हमेशा अपने आप को चुप रखते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी फालतू चीज़ों में डंप नहीं करते। वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते जहाँ उनका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो। अल्फा मेल्स को डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट्स कहते हैं, वहीं पर सिग्मा मेल्स को डोमिनेंट इंट्रोवर्ट्स। वो ऐसी चार्म से भरे होते हैं कि बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी ऑरा से ही सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 7, रिस्क टेकर्स। जोखिम उठाए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, बड़े सपने देखने वाले लोग हमेशा जोखिम उठाते हैं। सिग्मा मेल रिस्क टेकर्स होते हैं, उनको पता होता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं, और वो ही बहुत ही प्लान करके कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं और इसलिए वो एक अफेक्टिव लीडर होते हैं। पॉइंट नंबर 8, सिलेक्टिव एंड अनअटैच्ड। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनको बहुत सारी लड़कियाँ अपना दिल दे बैठती हैं, पर वो अपने रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। वो किसी से इमोशनल रिलेशनशिप जल्दी नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता होता है कि दुनिया में लोग सिर्फ मतलब के साथ जुड़ते हैं, इसलिए वो हमेशा उन लोगों के साथ इमोशनली जुड़ते हैं जो उनके लायक होते हैं। नंबर 9, दे आर सेल्फ अवेयर। सिग्मा मेल सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं, वो अल्फा मेल्स की तरह दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। वो खुद को अच्छे से जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए खुद को बेटर बनाने में लग जाते हैं, और वो ड्रामा और शोर शराबों से कोसों दूर रहता है। नंबर 10, सिग्मा मेल्स एक सेल्फ इनिशिएटर के तौर पर होते हैं। वो आपको हर कंपनी की एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट लेवल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिग्मा मेल्स के अंदर जो स्किल सेट होता है वो बहुत ही ग्रोन और मैच्योर होता है, और वो खुद को समझने के साथ साथ एम्बिशियस और मल्टी टैलेंटेड होते हैं और अपनी क्वालिटीज़ का बेस्ट यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आपके अंदर ये 10 क्वालिटीज़ हैं
तो आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।